जितने भी व्यासपीठ पर समस्त लोग जो भी बैठे हैं साहित्यकार वरिष्ठ जन साहित्यकार उनके चरणों में प्रणाम निवेदित है और जितने भी प्रबुद्ध श्रोता हमारे सामने बैठे हैं उनके जी जो भी प्रबुद्ध श्रोता सामने बैठे हैं उनको सादर नमन। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लोगों तक मुझे हम सभी को पहुँचना है, मुझे क्या हम सभी को सुनना है। और बहुत अच्छा पढ़ने वाले दादा ने, ऐसे लोगों का अगर आशीर्वाद मिल जाए इतने बड़े लोगों का तो हमारा जीवन वैसे ही सफल है। मैं पढ़ता हूँ, चार चार पंक्तियाँ देखिए आप। स्वागत है, स्वागत है। कि आत्मश्लाघायथो चित नहीं हो सकी। आत्मश्लाघा यानी स्वयं की प्रशंसा। आत्मश्लाघायथो चित नहीं हो सकी, मन विकलता विमोचित नहीं हो सकी। और आप जीवन का संघर्ष करते हैं, जीवन का रास्ता तय करते हैं, कितना सुख वैभव धन संपदा प्राप्त करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन असंतुष्ट रह जाता है। तब दो पंक्तियां पढ़ता हूं, दादा आपके चरणों में निवेदित है, ध्यान दीजिएगा कि आत्मश्लाघायथो चित नहीं हो सकी, मन विकलता विमोचित नहीं हो सकी। यूं तो काया ने क्या क्या न पाया, मगर आत्माएं पुरोहित नहीं हो सकी। आत्माएं पुरोहित नहीं हो सकी। बहुत सुंदर। और चार पंक्तियां देखिए, आपके जीवन से एक व्यक्ति अगर चला जाए तो उसकी भूमिका क्या होती है आपके जीवन में, आपका जीवन किस तरह से बदल जाता है। भैया आपके देखिएगा कि अंततः वेदना वेदिका बन गई। वेदिका जिसमें यज्ञ हवन होता। अंततः वेदना वेदिका बन गई, स्वप्न समीधा विरह साधिका बन गई। कृष्ण सी तुम गई तो मेरी जिंदगी जल में डूबी हुई द्वारिका बन गई। जल में डूबी हुई द्वारिका बन गई। जल में डूबी हुई द्वारिका बन गई। चार पंक्तियां और देखें, साहित्यकारों के हम प्रेम कहने वाले लोग हैं हमारे। दादा बहुत, मैं पढ़ता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ। अंततः वेदना वेदिका बन गई, स्वप्न समीधा विरह साधिका बन गई। कृष्ण सी तुम गई तो मेरी जिंदगी जल में डूबी हुई द्वारिका बन गई। मुकेश दादा आपको प्रणाम, बहुत बहुत। आप मुझे ना जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, प्रणाम स्वीकार करें। और चार पंक्तियाँ, हम जो प्रेम कहने वाले लोग हैं उनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं लोग, कहते तुम तो प्रेम कहने वाले हो, तुमने समाज को क्या दिया, है ना। तो मैं एक विनती करके ये प्रश्न करता हूँ कि क्या प्रेम समाज का हिस्सा नहीं है क्या? अगर समाज में रोटी की जरूरत है, भूख की जरूरत है, तो प्रेम की भी उतनी ही आवश्यकता है। तब मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, जितने भी ये गीतकार बैठे हैं, जितने भी बड़े लोग बैठे हैं, इन सब के चरणों में रखता हूं कि प्रेम की थाल पर दर्द के भोग हैं, प्रेम की थाल पर दर्द के भोग हैं, हाशिए पर खड़े हम प्रमुख लोग हैं। प्रेम की थाल पर दर्द के भोग हैं, हाशिए पर खड़े हम प्रमुख लोग हैं। और ऐसा दौर है जो 10-10 सेकंड के वीडियोस का दौर है ना, फंकी स्टाइल रखने का दौर है। उस समय में हम गीत कह रहे हैं, हमने हिम्मत करी, आपका आशीर्वाद चाहिए। तब पढ़ता हूँ कि प्रेम की थाल पर दर्द के भोग हैं, हाशिए पर खड़े हम प्रमुख लोग हैं। ये तो अपने हृदय ने ही मरुथल चुना, अन्यथा हम गगन चंद्र के योग्य हैं।
अन्यथा हम गगन चंद्र के योग्य हैं। बहुत बहुत आभार। और आखिरी मुक्तक एक और सुन लें आप सभी के मन की। श्रृंखला को संभाला नहीं जा सका, श्रृंखला को संभाला नहीं जा सका, हम सब पत्थर शिवाला नहीं जा सका। और अगली दो पंक्तियों में दाद मिले, श्रृंखला को संभाला नहीं जा सका, हम सब पत्थर शिवाला नहीं जा सका, जिसने जीवन से हमको निकाला सहज, उसको दिल से निकाला नहीं जा सका, उसको दिल से निकाला नहीं। बहुत बहुत आशीर्वाद। और अभी भैया कुछ होठ हमारे गजल गो भैया, बहुत प्यारी गजल गई अभी, ये कुछ कह रहे थे कि होठ पे होठ रखने की बात थी। मैं हिंदी में ये बात कहता हूँ भैया, आप देखें कि भाग्य की हर तिथि प्रतिपदा हो गई परिवा, आप लोग बोलते भाग्य की हर तिथि प्रतिपदा हो गई प्राण। हिंदी के लोग जागो, आपका कर्तव्य है कि हमें आप संबल नहीं देंगे तो फिर हम भी मंचों से वही पढ़ने लगेंगे जो सुना जा रहा है। चोरी हो गई चने के खेत में, है ना, अगर ये तो इसलिए आप लोग अगर स्नेह देंगे हमारा संबल होगा। भाई हमारी हैसियत ही क्या है, नए नए लड़के हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो लेकिन आप लोग स्नेह देंगे तो मन मिलेगा। मैं कहता हूं कि भाग्य की हर तिथि प्रतिपदा हो गई, प्राण वीणा स्वतः शारदा हो गई। और प्रेम में लिए गए, स्नेह में लिए गए चुंबन की इससे पवित्र परिभाषा व्यक्तिगत तो मैं नहीं कह सकता, बाकी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं इससे कुछ प्यारा नहीं कह सकता। आप देखें इससे पवित्र कुछ नहीं कह सकता कि भाग्य की हर तिथि प्रतिपदा हो गई, प्राण वीणा स्वतः शारदा हो गई, होठ ने होठ पर रख दिया एक दिया, होठ ने होठ पर एक दिया रख दिया, मन की दूषित नदी नर्मदा हो गई, मन की दूषित नदी नर्मदा। क्या कहने बहुत 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 इसने, मन की दूषित नदी नर्मदा हो गई। एक मुझे गजल कही थी मैंने बहुत पहले, नए लड़के जितने बैठे हैं इनके लिए पढ़ता हूँ कि देखना के शिवम, के कुछ लोगों को दो गज चलकर, कुछ लोगों को दो गज चलकर कॉलर ऊंचे करने थे, हम मांझी थे हमको पर्वत काट के रस्ते करने थे। कुछ लोगों को दो गज चलकर कॉलर ऊंचे करने थे, हम मांझी थे हमको पर्वत काट के रस्ते करने थे, और इतनी जल्दी क्या थी तुमको सब कुछ छोड़ के जाने की, इतनी जल्दी क्या थी तुमको सब कुछ छोड़ के जाने की, इतनी जल्दी क्या थी तुमको सब कुछ छोड़ के जाने की, कितने सपने थे जो हमको साथ में पूरे करने थे, कितने सपने थे जो हमको साथ में पूरे करने थे। और इसका जो आखिरी शेर इस गजल का मुझे याद आ रहा है वो ये है कि झूठ सही तुम एक दफा घर चलने को पूछ तो लेती, झूठ सही तुम एक दफा घर चलने को पूछ तो लेती, हमको कौन सा तेरे घर में रुक के जलसे करने थे, हमको कौन सा तेरे घर में रुक के जलसे करने थे। और उस धीरे धीरे करके उसने, नए लड़कों सुनो कि धीरे धीरे करके उसने सबको अपना दोस्त बनाया, धीरे धीरे करके उसने सबको अपना हर लड़के को दोस्त बनाया, धीरे धीरे करके उसने हर लड़के को दोस्त बनाया, उसको शहर के सारे झरने केवल झूठे करने थे, उसको शहर के सारे झरने केवल झूठे करने थे।